मैंने अभी खोला है तो ये आके इधर बैठ गई है, तो इसको अभी इधर से उठाते हैं। चल चल शाबा, ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये हमने अपने सब बर्थ को खोल दिया है। वीवर आज माशाल्लाह से खुद जो है ना अमेरिकन का बच्चा ये बाहर आ रहा है। ये वीवर मिठू के काम चेक करें, इसने यहाँ से दरवाज़ा खोला है और खोल के ये ऊपर यहाँ पे जाकर बैठा था, तो अभी मैंने इसको बंद किया है। ये बड़ा शैतान है, ये खुद खोल लेता है इसको। अभी मैंने लॉक लगा दिया, पहले लॉक नहीं लगा था, ये ऊपर करके ना यहाँ से निकल के ये ऊपर यहाँ पर जाके बैठ गया था। ये वीवर हमारे सब बर्थ का नाश्ता तैयार हो गया, तो इनको सबको डालते हैं। ये देखे सब इंतज़ार में खड़े हैं, ये मेरे पीछे आ गए हैं यहाँ तक हमें खाना मिल जाए। अभी हम सबको डालते हैं, पेरेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी और बजट वगैरह सबको डालते हैं। ये भी और इनको भी नाश्ता मिल गया है। ये इसको छली और पानी वगैरह मैंने रख दिए और इनको बाजरा डाल दिया और इनको ताज़ा पानी भी रख दिए, तो ये अभी माशाल्लाह से खा रहे हैं। इनको डालते हैं, ये देखें पूरे मैदान में घूमे हुए हैं ये। और पहले इन पेरेंट्स को भी डाल लें क्योंकि ये भी भूखे पड़े हैं। ये भी और इनका वेस्टेज जो है ना, ये इनको सबको डालते हैं। उनका वेस्टेज मैंने इनको डाल दिया, तो ये माशाल्लाह से खा रहे हैं सब। और मुर्गे के काम चेक करें, ऊपर आके इधर बैठा है तो ये दाने भी नीचे गिर गए हैं थोड़े से। तो ये एक छली इनको डाल देते हैं। इनको पानी भी रखना है और पीछे से ख़तरा है ये टीम हमला ना कर दे। देखिए अमेरिकन भी इंतज़ार कर रहा है बच्चा, ये भी बाहर बैठा है। ये भी बार सारी टीम आ गई है खाने के लिए, तो अभी इनको दाना डालते हैं पहले, तो फिर इनको रोटी ब्रेक करके डालेंगे। पहले भी बार ये सब छलियाँ इनको अपने बर्थ को डाल देते हैं ताकि ये भी साथ साथ खाते रहें। ये देखें ना सब इंतज़ार में बैठे हैं, ये दरवाज़े के ऊपर आके बैठ जाते हैं। और ये ख़तरा भी होता है इनका भी, ये उड़ ना जाए यहाँ से, तो अभी इनको पहले डालते हैं छलियाँ। ये भी अगर मैंने इनको छली डाली है, तो देखें कैसे रश लग गया है, सब आ गए हैं खाने के लिए। और हमारे चकोर जो है ना वो साइड पर बैठे हैं। अभी इनको बाजरा भी डालते हैं और पानी भी ताज़ा रख देते हैं। ये वीवर देखें बर्तन खाली हो गए हैं, तो ये थोड़े से ही बर्थ इधर बचे हैं, बाकी सब उधर खा पी के चले गए हैं। और वो वाली मुर्गी देखें उधर फिर जाकर उस केज में बैठ गई है, जो अंडा नहीं देती वैसे बैठी रहती है। तो अभी इनको बाजरा भी डालना है क्योंकि सिर्फ छली डाली है। अस्सलाम वालेकुम वीवर, तो कैसे हैं आप सब, खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज की व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो वीवर आज हम लेकर आए हैं जो आपको मैंने बताए थे ना केजेस, वो सब आ गए हैं। तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ भाई किस तरह के हैं और कितने पोर्शन हैं उनके और उनकी क्या सिचुएशन है। मैंने अभी देखे ना जब आए हैं वो, तो उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ी पड़ी थी, मतलब उनके ना सारी जो लकड़ी वगैरह वो गली पड़ी हैं, उनको सीवी वगैरह लगी हुई है और बिल्कुल केज की हालत जो है ना वो ख़राब है। तो चल के आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये केजेज हैं, तो ये वाला केजे तो माशाल्लाह से बेहतर है, मजबूत भी है। ये आप चेक करें ना, ये देखें एक ही पोर्शन है सारा इसका। हालांकि जिस टाइम ये पहले मेरे पास था, ये मैंने फिर अपने दोस्त को जो सेल किया, जिस टाइम व्यूअर मैं लेकर आया था ना, उस टाइम अलग अलग इनके पोर्शन थे। तो अभी इनके जो भाई ने वो ये नीचे से फटियाँ वगैरह निकाल ली हैं, लकड़ी वगैरह निकाल ली है और इनको एक ही पोर्शन बना दिया है। तो एक केज ये पड़ा है और दूसरे केज ये पड़े हैं। तो इनकी देखिए ऊपर से ये भी फटियाँ जो है ना सारी निकली हुई हैं, ख़राब हैं। और यहीं से आप देख रहे हैं ये सारी गली पड़ी है। तो इसकी मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही भाई, ये ना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। ये देखें इसकी नीचे से भी फटियाँ जो सारी गली पड़ी हैं। ये एंड तक देखें, इनका दरवाज़ा देखें, दरवाज़ा भी ख़राब हुआ पड़ा है। जाली देखें, ये जाली भी ख़राब है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई इसको वापस करके ना नए केजेस बनाते हैं।
और ये दूसरा पड़ा है, इसकी फिर भी कोई थोड़ी सी ना गुंजाइश है। ये देखें इसकी भी ऊपर से फटियाँ वगैरह सारी डैमेज हैं। मैं जो कल लेकर कराया था ना जाली, मैंने आपको बताया था ना मैं जाली लेकर आ रहा हूँ, तो वापसी पे आपको बताऊँगा भाई वो किस लिए मैंने ली थी। तो वो भी और मैंने इसलिए ली है भाई, हमारे जो सारे बर्ड्स हैं ना बड़े, मुर्गियाँ वगैरह, गैन फॉल डक्स वगैरह, तो उनके लिए ना एक केज बड़ा सा बनवाना है ताकि वो बाहर ना घूम फिर सकें, क्योंकि सारा उन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है घर का ना, तो इतने ज़्यादा हैं तो वो फिर प्लाट को भी उन्होंने ख़राब कर दिया और फिर सारा माहौल ख़राब होता है घर का। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पर ना ये भी बार जहाँ से जाली हमने लगवानी है और जहाँ तक ये जाली लगी कि एक, और फिर वहाँ तक ना ये बंद कर देंगे और वहाँ पे एक इनका जो बड़ा केज है ना वो वहाँ पे रखेंगे। ऊपर तक ना ये तकरीबन इस तक ऊपर हो जाएगा, ये सारी ये जाली लग जाएगी और ऊपर से जो ना वो कपड़ा लगा देंगे, कपड़ा लगा के उनको बंद कर देंगे। व्यूअर मिस्त्री भाई आ रहे हैं तो फिर इनके एस्टिमेट पूछते हैं भाई इनकी फटियाँ वगैरह लगानी है कितना खर्चा होगा। ये व्यूअर तो हम काम स्टार्ट करने वाले हैं, ये जाली मैंने लंबाई में खोल दी है तो अभी इसको जो है ना कील वगैरह से लगाते हैं और इसको फिट करते हैं और पिंजरों को भी इनको साफ़ करना है, इनको कलर वगैरह भी करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल पहले ये काम करेंगे, ये काम ख़त्म होगा तो फिर वो स्टार्ट करेंगे। ये भी वर्ष फाइनली हमने यहाँ तक काम मुकम्मल कर लिया है, यहाँ पे देखें ना ये पट्टी लगा दी है और कील भी लग गए हैं, ये साइड एक मुकम्मल हो गई है और यहाँ पे हमने एक ये लकड़ी ना खड़ी की हुई है, इसके साथ हमने ये बांध दी है तो ये साइड मुकम्मल हो गई है। अभी हमने ये वाली साइड मुकम्मल करनी है तो वहाँ पर हम दरवाज़ा रखेंगे और इसको ना आगे तक यहाँ तक बढ़ा के ना इसको मुकम्मल करेंगे। ये भी फिर मैंने अभी देखा है तो हमारा ये गाँव का ना एक ये मरा पड़ा है, ये बेचारा थोड़ा सा बीमार था, सुस्त था, तो अभी मैंने देखा है ये कोने में पड़ा है और इसकी डेथ हो गई है। तो अभी इसको निकालते हैं बाहर और इसको दफनाते हैं। आ जा तू भी आ जा, बेचारे को क्या हुआ है, पहले तो बिल्कुल ठीक था। ये हमारी थोड़ी सी जगह रह गई है, ये जाली जो है ना ये मुकम्मल नहीं हो रही थी तो इधर तक आई है ये, तो ये थोड़ी सी जगह ना ये रह गई है तो इसको भी कवर करेंगे, लेकिन नहीं हमें लेयर करानी पड़ेगी कैदाबाद से, तो अभी फ़िलहाल तो हम इधर लगा के इसको रोक दिए, इसके साथ जो है ना कनेक्ट नहीं किया। तो जो हमने पिंजरा लेकर आ मुर्गियों वाला जो बड़ा पिंजरा पड़ा है वो यहाँ पर हम रखेंगे ताकि जो मुर्गियाँ होंगी ना वो रात को अंदर चली जाएँगी और दिन को सब इधर ही बाहर घूमती फिरेंगी, तो इंशाल्लाह वो भी उठा के ले आएंगे। लेकिन इससे पहले हमने ये सारी मिट्टी वगैरह नीचे ना बिखेर देनी है, इसके ना कीचड़ वगैरह ना बने अगर बारिश वगैरह हो तो। ये भी वगैरह इनके ऊपर ना ये हमने शीट लगा दी है ग्रीन, ताकि इनको गर्मी वगैरह भी ना हो और पानी वगैरह से थोड़े से ये बचे रहें। अभी इसके नीचे जो है ना ये इधर एक लकड़ी खड़ी करते हैं ताकि ये ऊपर ना इस तरह हो जाए। तो ये वीवर काफ़ी देर के बाद हमारे पिजन जो है सब वापस आ गए हैं, तो ये उड़ गए थे पहले तकरीबन ये घंटा दो इधर बैठे रहे हैं ऊपर तार के ऊपर, फिर ये उधर चले गए थे, तो अभी काफ़ी देर के बाद ये वापस आए हैं। तो सारे हमारे बर्ड जो है ना ये भूखे पड़े हैं तो अभी इनको दाना डालते हैं। तो वीवर अपने मुर्गों वगैरह के लिए और जितने भी हमारे दूसरे बर्ड हैं गैनफ और डक्स, उनके लिए हमने वो जो केज आपने देखा है वो हमने तैयार कर लिया है, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम ये सब उधर शिफ्ट करेंगे और इनका केज जो है ना वो भी उधर शिफ्ट कर देंगे। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल फैंसी बर्ड लवर को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।